हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव। तो भाई बजट 20,000 है। वेलकम स्नैपड्रैगन के चिपसेट वाला स्मार्टफोन चाहिए और वो भी 5G होना चाहिए और ऊपर से वो गेमिंग कर पाए काफी बढ़िया तरीके से। एक चीज मेक श्योर करने वाला हूं, यहां पे भाई बहुत ही इंप्रेसिव डिस्प्ले होने वाला है जिस स्मार्टफोन का नाम मैं लेने वाला हूं। वो दोनों स्मार्टफोन के और एक जो है वो तो वन प्लस का है, वो बोलते बोलते पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग है 10-15 स्मार्टफोन का नाम लेके आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, पर मैं यहाँ पे सिर्फ इन स्मार्टफोन का नाम बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं मोटोरोला मोटो G82 जो है। यहाँ पे एक पीओले डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 10-bit कलर वाला, 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। इस वाले स्मार्टफोन में 5000mAh का एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसे चार्ज करने के लिए 33W का टर्बो चार्जर भी देखने को मिल जाता है। अगर कैमरा सेंसर का बात करते हैं तो ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। बैक के साइड में आपको 50MP OIS, 8MP एंड 2MP। अभी बात करते हैं मेन चिपसेट के बारे में। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिल जाता है, जो कि भाई मेरे हिसाब से गेमिंग इस बजट सेगमेंट में भाई जस्टिफाई करता है 20,000 को कि हाँ बढ़िया है। और इसका जो डिस्प्ले है भाई काफी ज्यादा इंप्रेसिव डिस्प्ले है और ये वाला स्मार्टफोन जो है इन हैंड फील बहुत बढ़िया तरीके से देता है। तो ये वाला जो स्मार्टफोन है इसका प्राइस फ्लिपकार्ट में कुछ 20,000 ऐसा कुछ थोड़ा सा ज्यादा 500-600 INR ज्यादा है, तो वो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से भाई, खींच के लाइएगा। आपका कलाकारी कार्ड ऑफर एक्सचेंज ऑफर वो आपको मिलता है। नंबर 2 पे यहाँ पे आते हैं मोटो H30 के बारे में। मोटो H30 जो है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ देखने को मिल जाता है। 10-bit का कलर सपोर्ट करता है ये वाला डिस्प्ले और ये पीओले डिस्प्ले है और ये वाला स्मार्टफोन अल्ट्रा स्लीक है, मतलब भाई अलग ही रिच फील आता है इस वाले स्मार्टफोन के साथ। ये 778G+ जो है हीट नहीं करता है, 700 सीरीज का सबसे स्टेबल चिपसेट यही वाला है। और यहाँ पे अगर बैटरी का बात करते हैं तो यहाँ पे 4020mAh का एक ठीक ठाक बैटरी देखने को मिल जाता है, जिसे चार्ज करने के लिए वंस अगेन 33W का एक टर्बो चार्जर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर प्राइस का बात करते हैं तो ये 6GB 128GB जो है फ्लिपकार्ट में आप लोग 2299 ऐसा कुछ प्राइस में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप अगर कार्ड ऑफर लगाते हो या फिर कोई भी पुराना भद्दा सा स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन भी अगर एक्सचेंज करते हो तो नॉर्मली आप 20 के अंडर तो खींच पाओगे इसके प्राइस को। अभी जो स्मार्टफोन का नाम लेने वाला हूँ ये वाला स्मार्टफोन वन प्लस एंथुजियास्ट लोगों के लिए है, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वन प्लस चाहिए। और हाँ, वन प्लस का स्मार्टफोन होता तो बढ़िया है। इस वाले स्मार्टफोन का नाम है वन प्लस नॉट CE2 Lite 5G। अगर एक आध कुछ मिस हो गया तो भाई आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वाला स्मार्टफोन में आप लोगों को IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, पर थैंक गॉड 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो गेमिंग काफी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन है। 5000mAh का एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है, इन्वर्टर देखने को मिल जाता है, जिसे चार्ज करने के लिए यहाँ पे 33W का चार्जर भी देखने को मिल जाता है। इसका कैमरा का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 64+2+2, तो मतलब मेन सेंसर से ही आप लोग फोटो खींच पाओगे। OIS कुछ नहीं है, बाकी दो स्मार्टफोन जो है मोटरोला को वहाँ पे आप OIS देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और इस वाले स्मार्टफोन का प्राइस कुछ 19,000 समथिंग ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। तो ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पे बिना कंफ्यूज होते हुए अगर आपको 20,000 के अंदर कोई भी बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा या फिर गेमिंग या फिर डिस्प्ले अच्छा चाहिए, मल्टीमीडिया कंजम्पशन, तो आप आग बंद करके किसी भी एक स्मार्टफोन को उठा सकते हो। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको क्लीन वॉइस मिलेगा, जो पर्सनली मेरे को पसंद है। अगर आपको क्लीन वॉइस पसंद है तो भाई डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। तो बस दोस्तों, वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना विचार बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से बजा दीजिए। और जिसे 20,000 के अंदर गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए उसे ये वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।